अब अगले एक्सपर्ट हैं ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर साहब। सच्चिदानंद साहब, आप क्या करने वाले निफ्टी पर? आशीष जी, यहाँ पर रुझान बुलिश का ही होगा। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल ये करेक्शन देखें तो 30 जनवरी पे जो ट्रिगर हुआ था वो 7 दिन में एक बहुत स्टीप यू नो करेक्टिव वेव दिखाई दिया था, जहां पर 1000 पॉइंट की मंदी दिखाई दी थी। बट पोस्ट दैट एक अच्छा कंट्रैक्शन यहाँ पर नजर आया, यू नो बहुत अगर इस पर्टिकुलर करेक्शन की इंटेंसिटी बहुत कम होते जा रही है। यहाँ पर 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास वापस निफ्टी स्टेबल हो रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर अक्कर हो रहा है इंट्राडे चार्ट पे। तो यहाँ पर हमारा ये मानना है कि 10,055 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। अपर एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल या बाउंस बैक हम देख रहे हैं अराउंड 10,240 या 10,400 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर रुझान डेफिनेटली यू नो बुलिश होगा और यहाँ से लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए। इमीडिएटली टारगेट होगा अराउंड 10,260 का। 10 to 60 इन टारगेट्स के लिए खरीदारी करने के मौके। सचिन, आपका स्टॉक आइडिया? रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें लॉन्ग लग रहा है। इनफैक्ट काफी समय से यहाँ पर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर डेली चार्ट पे देखें तो एक डायमंड फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से वापस एक बार रिबाउंड हो सकता है 926 लेवल्स तक का। तो अगले कुछ दिनों के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए। 887 का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा और 900 के आसपास ये पोजिशन बनानी चाहिए, 926 का टारगेट होगा। ओके, तो आरआईएल वो स्टॉक है जहां खरीदारी करने के मौके, हालांकि वो सचिन की पिक है, लेकिन एक्साइटेड डिस्क्लोजर, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। पांचों एक्सपर्ट से बातचीत हो चुकी है, तो मोटा मोटी निफ्टी की पिक्चर पेंट होती हुई 10,000 से 10,200 ये दायरा, या फिर थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं तो 10,000 से 10,300 के आसपास पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आता है, तो इस दायरे को प्ले अप करने की जरूरत। लेकिन इस समय 5 में से 4 एक्सपर्ट्स मानते हैं जो आज शॉर्ट कवरिंग के मूव्स देखने को मिल रहे हैं, ये लाइकली है यहां से इस हफ्ते और एक्सटेंड होते हुए नजर आएंगे। तो पहला टारगेट 10,210, 10,220 का, और उसके बाद और तूल पकड़ेगा शायद बाजार, और 10,260 से 10,280 तक के लक्ष्य के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। एक एक्सपर्ट का मानना है कि जो 200 DMA प्लेस है 10,180 के जोन पे, वहां पे बाजार फिर अटकते हुए नजर आएंगे और फिर शायद बिकवाली करने के मौके होंगे। समीत का मानना है कि वहां पे बिकवाली कर दें और तब आपको 10,010 तक के टारगेट, यानी कि 10,000 के लेवल्स पे जहाँ पे सबसे तगड़ा बिल्डअप है, उसी के आसपास आपको यहाँ पे लक्ष्य अगले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं।